ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان قبول کرنے اور ایمان قبول کرنے کے بعد کی کیفیات اور حالات مصائب اور مشکلات یہ آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں. اب نہ اتنی ہمت نہ اتنی طاقت کہ صحابہ کرام کے ہر ہر فرد کے یہ کیفیت ذکر کی جائے. اسے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر صحابہ کرام کی محبت ہو, ہمیں یہ معلوم ہو کہ آج ہم جس دین اسلام پر ہیں یہ ان کی محنتوں سے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے نہ جانے آج ہم کیا ہوتے. دوسرے یہ کہ چند شخصیات کی جو یہ کیفیات اور واقعات بیان ہوئے, مجھے یقین ہے کہ اتنا ہمارے اندر تو ذوق اور شوق پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیں, اس کے لیے وقت نکالیں تاکہ ہمارے ایمان پہ جلا اور اس ایمان میں جوش اور جذبہ پیدا ہو. آخر میں جن شخصیت کے ایمان لانے کی کیفیت اور حالات بتانے میں کہ ایک مشہور صحابی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے ان کی ولادت ہوئی اور جس وقت انہیں صحیح دین کی تلاش ہوئی یہ وہ وقت تھا کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے, نبوت تو بہت باقی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور علیہ السلام کی پیدائش کے درمیان میں یہ 500 کچھ سال کا عرصہ ہے. اس وقت کی یہ بات ہے, بجائے اس کے کہ میں اسے اپنے الفاظ میں بیان کروں, واقعہ بہت طویل ہے, پتہ نہیں کتنے جمعے لگے, 2-3 جمعے لگ سکتے ہیں اور شاید زیادہ بھی, لیکن انتہائی ایمان افروز ہے. تو میں اپنے الفاظ کی بجائے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور ان کی کتاب سے نقل کیا ہے, ترجمہ کیا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے مولانا
मैं उनके अल्फाज में आपको सुना देता हूँ। फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु, जिन शख्सियत की बात होगी या हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु, इन्होंने अपने इस्लाम लाने के हालात हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा को बतलाए। क्या बतलाए? फरमाते हैं कि मैं मुल्क के फारिस के इस्फहान के एक गांव का बाशिंदा था, मेरे वालिद अपने गांव के रईस आजम थे, गांव के भी थे और बहुत मालदार थे, इंतहाई मालदार हमारे तसव्वुर से ज्यादा, रईस आजम, और दुनिया में कोई चीज ऐसी ना थी जिससे उनको मुझसे ज्यादा मोहब्बत हो। जितनी चीजें दुनिया की नेमतें मिली थी, लेकिन उन नेमतों से मोहब्बत इतनी नहीं थी जितनी मुझसे मोहब्बत थी मेरे वालिद को। उनकी ये ज्यादत मोहब्बत, मोहब्बत की ज्यादती, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े अजीब अल्फाज फरमाते, मेरे लिए वबाले जान थी, वबाले जान बन गई, क्योंकि उधर मैं उनकी नजर से गायब हुआ, ओझल हुआ, और उनको मेरे मुताल्लिक तवहुमात शुरू हुए, वहम आने शुरू हुए, वसवसे आने शुरू हुए, पता नहीं कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मेरे लिए वबाले जान बन गई। उसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने मुझको घर से बाहर निकलने की मुमानियत कर रखी, मैं घर में रहता हूँ, बाहर नहीं निकल सकता। और बड़े अजीब अल्फाज फरमाते हैं कि जिस तरह लड़कियों को मुमानियत कर दी जाती है, और मैं अपनी जिंदगी मर्द होने के बावजूद वालिद की मोहब्बत के हाथों से जनाना अंदाज से बुला रहा हूँ, ये उनके अल्फाज। कहते हैं कि हमारा खानदान मजूसी था, मजूसी आग परस्त, आतिश परस्त, जो आग को जलाते हैं और वो कभी बुझने नहीं देते, बस उसी की इबादत करते हैं। ये मजूसियत जो मजहब है, ये ईरान से उस जमाने के फारिस से चला था, दुनिया में भी फैला। इस मजहब की एक खसूसियत ये है कि ये तबलीग नहीं करते, आपसे कहें कि आप हमारे मजहब में आ जाओ, ऐसा नहीं। अगर कोई दूसरे मजहब का इनके यहाँ इनका मजहब इख्तियार कर ले तो कबूल नहीं करते, जहाँ से आप जाओ हमारे से कोई वास्ता नहीं। हाँ, यही वजह है दुनिया में मौजूद है, हमारे यहाँ भी मौजूद है, लेकिन जितनी तादाद थी आज उतनी नहीं है। एक तो तबीयत नहीं, दूसरे को कबूल नहीं करते, जो हैं रह से मर खबर हैं, खत्म हो रहे हैं। ये मजूसियत, इनके खानदान जो था मजूसी था, आतिश परस्त था, अपनी बदबीनी के जमाने में मजूसियत में मैं सरगर्म था। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने उस जमाने की बात, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जमाना नहीं आया, उनका ईमान नहीं लाए, उसको बदबीनी फरमा रहे हैं कि मैं बहुत मजूसियत में सरगर्म था। और कैसे सरगर्म थे? कहते हैं कि अपने महबूब उस आग की खिदमत में रात दिन इस तरह मसरूफ रहता था कि हर वक्त उसको रोशन रखता था, बुझने नहीं देता था। रात के 24 घंटों में से किसी घंटे में तो बड़ी बात है, किसी सेकंड में भी बुझने नहीं पाती थी। और मेरी इंतहाई ताकत यही थी कि मैं सोते जागते उठते बैठते खाते पीते वर्ष के हर वक्त उसका ख्याल रखता, इतना मशगूल था मैं घर में रहते हुए, और घर के अंदर माँ खाना था। फिर फरमाते हैं कि मेरे बाप उनके अपने गांव के रईस थे, मालदार थे, इसलिए उनके मुताल्लिक बहुत सी जागीरें भी थी। एक वक्त उन्होंने एक बड़े मकान की तामीर शुरू की, क्योंकि काम बड़ा था और बहुत से मेहमान मिस्त्री मजदूर लगे हुए थे, और उस मकान की तामीर वालिद के मंशा के मुआफिक करने वाला कोई भी नहीं था, काम बता के जाते थे, शाम को आज के कुछ ना कुछ होता था, ये आजकल भी होता है, उस जमाने में भी था। इसलिए उनको दिन में कई मर्तबा अपने घर से खेतों पर और खेतों से घर पे आने की नौबत आती थी,
मकान के बनाने की वजह से। एक दिन मजबूर होकर मुझको बुलाया और कहा, जाने पिदर, ये मेरे जान से ज्यादा अजीज बेटे, मोहब्बत थी ना उर्दू का लफ्ज, फारसी और उर्दू दोनों मिला, जाने पिदर, ये इंतहाई महबूब बेटे, तुमको मालूम है कि मैंने चंद दिनों से एक मकान की तामीर शुरू की है और मैं उसमें बहुत ज्यादा मशगूल हूँ और इस तामीर ने मुझको हद से ज्यादा अकीमुल फुर्सत कर रखा है, वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं। आज तक तो मैंने किसी न किसी तरह दोनों कामों को निभाया, खेती की देखभाल की, तामीर मकान की निगरानी भी की, लेकिन आज तो मुझको मकान पर रहना जरूरी हो गया। अब जब जरूरी हो गया तो मैं आज की देर को यहाँ से गायब रहा तो खुदा जाने ये मेहमान मजदूर किस किस्म की गलती करें और मेरे सारी परिकराई में नजर खत्म हो जाए। इसलिए आज तो खेतों पर तुम ही चले जाओ, ये पहले देना उनकी पैदा होने के बाद। बचपन गुजर गया, लड़कपन है, लड़कपन से जवानी की तरफ जा रहे हैं, उधर से बाहर नहीं निकले थे आज तक, ये पहला दिन। और वहां की देखभाल तुम ही कर लो, लेकिन चंद शराय थे, मगर वहां जाकर किसी और तमाशे वगैरह में मसरूफ होकर देर मत लगाना, वरना मेरी जान पर बन जाएगी। मोहब्बत का अंदाजा लगाइए, इस कदर मुझको अपनी जायदाद का खाक में मिल जाने का सदमा नहीं होगा जिस कदर तुम्हारे देर में आने की वजह से खाक में मिल जाए मेरी जायदाद, तुम वहां पर आना। ये मोहब्बत, और अपने तमाम जरूरी कामों को छोड़कर मुझको तुम्हारी खैरियत मालूम करनी पड़ेगी अगर तुम देर से आए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं वालिद से जल्दी आने का वादा करके उन खेतों पर जाने के इरादे से घर से चला, जिनका एहतमाम वालिद ने मेरे सुपुर्द किया था कि आज जाकर काम करो। रास्ते में एक गिरजा नजर आया, अभी निकला था घर से, एक माबत खाना नजर आया, गिरजा जैसे मस्जिद मुसलमानों की इबादत की जगह गिरजा ईसाइयों की इबादत की जगह। मैंने बाहर से ईसाइयों की आवाजें सुनी, अंदर से आ रही थी, घर से बाहर निकलना तो उम्र भर में फकत आज नसीब हुआ था, अब तक की जितनी उम्र थी आज पहली मरतबा घर से निकला था और ये ईसाइयों की आवाज सुनी। इसलिए दिल ने तबादला किया कि चलकर देखिए तो इस खूबसूरत इमारत के अंदर क्या हो रहा है। मैं गिरजे में जा घुसा और वहां जाकर देखा कि ईसाइयों का बड़ा मजमा अपने तरीके के मुताबिक इबादत में मशगूल है, वहां ना आपकी ना कुछ था, इबादत कर रहे थे। मैं चूंकि कैदियों की तरह घर के जेल खाने में नजर बंद था, अब्बा की तरफ से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मुझको अपने माबूद यानी आप के सिवा किसी और चीज की खबर भी नहीं थी। गिरजा में इस तरह जा पहुंचा जिस तरह कोई शख्स अजायब खाने में पहुंचता है, अजायब खाने में जाता है, अजायब घर में वहां की चीजों को देख के बड़ा हैरान हो जाता है, ऐसा ये हैरान हो गया। फरमाते हैं कि मैंने उनको और उनकी इबादतों को बहुत गौर और इस्तेहजाब से ताज्जुब की नजर से देखा और उनके खुशू और खुशू के अंदाजा दरगाह इलाही में तदर्रो इल्हा खालिक आलम की हम्द व सना, फर्ज ये कि तमाम चीज़ें दिल ने बहुत पसंद की और मेरी जुबान से बेसाख्ता ये निकल गया कि अल्लाह की कसम ये दिन तो हमारे दिन से बहुत दर्जे बेहतर है। उनकी इबादत मुझको कुछ इस कदर पसंद आई कि न मुझको ये ख्याल रहा कि मैं कहाँ जा रहा था, खेत वेत कुछ याद नहीं, न ये याद आया कि वालिद ने वालिद से जल्दी वापसी का वादा करके आया था, न ये परवाह हुई कि मेरे इंतजार में वालिद पर क्या गुजरेगी। मैं तो इन ईसाइयों की इबादत में ही महव तमाशा रहा, हत्ता के सारा दिन खत्म हो गया और मैं गिरजा से बाहर ना आया, सूरज गुरूब हो गया। जब ईसाई अपनी इबादतों से फारिग हुए तो मैं उनसे मिला और मैंने बातों बातों में उनसे दरियाफ्त किया कि तुम्हारे इस दीन का मरकज कहाँ है, ये दीन कहाँ सा है तुम्हारा, कोई तो जगह होगी ना,
कहाँ मरकज? उन्होंने कहा हमारा मरकज मुल्क शाम। मैं ये सुनकर वापस आया, वालिद मेरी इस ताखीर की वजह से सब परेशान हो चुके थे और एक या दो नहीं बल्कि कई आदमियों को मेरा पता लगाने के लिए रवाना कर चुके थे तलाश करने के लिए, और मेरी परेशानी में वो अपनी उन ज़रूरतों को भी पूरे तरीके से अंजाम नहीं दे सके थे जिसके लिए घर पर रुके थे, जिनके लिए मकान पर ठहरे थे। जब मैं उनके खिदमत में हाजिर हुआ तो वो पिदराना अंदाज से, जैसे बाप एक ऐसा बाप जिसके जिसको अपनी औलाद से इंतहा दर्जे की मोहब्बत हो, पिदराना अंदाज फरमाने लगे, ए डबते जिगरों, मेरे जिगर के टुकड़े, क्या तुम हमसे ये वादा करके ना गए थे कि हम जल्दी से जल्दी वापस आएंगे? बताओ कि तुम अब तक कहाँ थे? पासपोर्ट शुरू हो गई देर जाने का, आज हमें पर वही नहीं है, औलाद रातों को घरों से बाहर है और वो 12-1 बजे 2 बजे आती है, कोई परवाह नहीं है, ये शरीफों वाली बात नहीं है, ये निगरानी रखना वालिदैन का काम। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब उन्होंने सवाल किया, मैंने उनसे इस वाक़े को छुपाना पसंद नहीं किया और साफ साफ कह दिए कि अब्बा जान मैं यहाँ से चला तो रास्ते में गिरजा मिला, उसमें मैंने ईसाइयों को इबादत करते देखा और मुझको उनका तरीका इबादत बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और अल्लाह की कसम उनकी इस इबादत के देखने में मेरा दिल ऐसा मसरूफ हुआ कि मुझको ये खबर भी ना हुई कि सूरत किस्मत हुआ। वो पासपोर्ट शुरू की थी, आगे से ये जवाब मिला। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते वालिद ये सुनकर देर में आने पर जजर तौबीख करनी तो भूल गए, डांट टपट तो भूल गए। अब फिक्र क्या हुई उनको? मेरी मजबूसियत की खैर मनाने की फिक्र हुई। ओहो ये तो बच्चा बिगड़ा, बदमजहब हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाना हो रहा है, मेरे मजहब की खैर मनाने की फिक्र हुई। वो सब डांट टपट भूल गए देर से क्यों आए। चुनाचे मेरे दिल से ईसाइयत को निकालने की गरज से कसम खाकर कहने लगे कि ईसाइयत तो कोई उमदा दीन ही नहीं है, फकत हकीकत में तो दीन तो फकत वही दीन है जो तुम इख्तियार किए हो, यानी आतिश परस्ती, और जो तुम्हारे आबा व अजदाद से तुम तक पहुँचे। मैं फिर कह दूँ ये उस वक्त की बात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी नहीं हुए। उनकी ये बातें मेरे मुशाहदे को रद्द करने के लिए कैसे काफ़ी हो सकती? मैं तो देखकर आया था, देखकर आने और सुनने में तो बड़ा फर्क है। अब्बा ने जब मैंने ये बात कही तो मैं कैसे सोच सकता था कि अब्बा सच कह रहे हैं? कैसे काफी हो सकती थी, मैं कैसे मुतमईन हो सकता था? इसलिए मैंने उनके जवाब को सुनकर खामोश नहीं हुआ बल्कि फौरन बोल उठा कि अब्बा जान ये तो आपने सही नहीं फरमाया, अल्लाह की कसम ईसाइयत हमारे दीन से बहुत ज्यादा बुलंद है। वालिद ने जब ईसाइयत के इस्तेहसान पर इस कदर मुसिर देखा तो उन्हें खौफ हुआ कि बेटा हाथ से निकला, इसलिए फकत घर से बाहर निकलने की मुमानियत पर इक्तफा न की बल्कि लोहे की जंजीरें मेरे पांव में डाल दी और अब अच्छा खासा कैदी बन गया। पहली मुसीबत आई कि पहले तो नामो नाम की वजह से घर में था, जनाना जिंदगी गुजार रहा था। वो जब नादिर शाह अफगानिस्तान से हिंदुस्तान फतह करने की गरज से गया तो रंगीले शाह की हुकूमत थी, मुगल बादशाहों का आखिरी दौर था, सारे दिल्ली में कत्लो वारदात गली हुई, वो रंगीले शाह ने दावत की नादिर शाह की, राजी था नादिर शाह, दावत की तो बड़ा अजीब किस्म का दस्तरखान बिछा, नेमतें लाके रखी गई, खाने की नियामतें बड़ी उमदा किस्म की और कई किस्म की, तो नादिर शाह कहने में अल्लाह तो सलामों को भी हुकूमत देता है, ये नाज और नाम तो औरतों के होते हैं। उसने अपने मुलाजिम को आवाज दी मेरा खाने भी ला दो, उसने सूखी रोटियां ना सामने लगे रख दी, नाज और नाम काम नहीं आता, मुल्क चला गया, वो वहां कत्लोवारत लगी करके चला गया। इन्होंने नाज और नाम से घर में जिंदगी गुजारी थी और अब जब ईसाइयत पसंद आई तो बाप ने जो है वो जंजीरें डाल के कैद कर दिया। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने अपनी तमाम उम्र नाज और नाम में गुजारी, घर की हर चीज़ को अपने ताबे हुकुम, जैसा मैं कहता वैसा,
मेरा गुलाम और खिदमतगार इसके मुंतजिर रहते कि मैं उनसे किसी काम को कहूँ और वो उसकी तामील सब आंखों से करे। लेकिन इधर वालिद की चश्मे मोहब्बत बदली, आंख बदली, निगाह बदली, और उधर नौकर चाकर तो दरकिनार, घर के दर दीवार भी दुश्मन मालूम हो, कोई मेरा काम नहीं कर पाता। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात ये कि मैं भगोड़े जानवर या सरकश गुलाम की तरह पागल जंजीर बन गया। ये तमाम तकलीफें थी, मगर मेरा हर इस बात की इजाजत नहीं देता था कि जिस दीन की उमदगी का तजर्बा खुद कर लिया है उससे मुनहरिफ हो जाऊं। आज से देखा मैं कैसे इंकार कर सकता, ये यहां तक बात होगी, बाकी इंशाल्लाह इधर भी मैं अर्ज किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सहाबाए किराम के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए, उनकी जूतियों के जर्र में हमारा अशर फरमा दे।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الكونين وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه الاتقياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر ما اشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء واسمعهم اقواهم علي وفاطمه سيده نساء اهل الجنه والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وحمزه اسد الله واسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابه عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون सफ़ेद दुरुस्त कर लीजिए जो सब पीछी भी है सब का जो निशान है उस निशान पर अपनी एड़ी का सिरा रखिए आपकी एड़ी का सिरा सबके निशान से आगे या पीछे ना हो वरना सब टेढ़ी हो जाएगी पहले अभी सफ़ों को पूरा करने का अहतमाम कीजिए जो रास्ते हैं उनका नमाज ना पढ़िए इससे आने जाने वालों को तकलीफ़ होगी हमेशा टोपी पहनकर नमाज पढ़ने की आदत बनाइए शलवार टखनों से ऊँची रखा कीजिए मोबाइल फ़ोन बंद कर लीजिए
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا ہر قسم کی پریشانی کو دور کرنا تمام بیماروں کو شفا عطا کرنا اے اللہ ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب کرنا ہماری جان مال عزت اور نفست کی حفاظت کرنا پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا عالم اسلام کی حفاظت کرنا اے اللہ جہاں جہاں مسلمان قسم کرسی کا شکار ہیں بالخصوص فلسطین میں کشمیر میں اور بھی بہت سی جگہوں میں ہندوستان میں اے اللہ ہم سب کی مدد کرنا اے اللہ ہم سب کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں مستحکم کرنا مضبوط کرنا اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرنا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کرنا جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کے عذاب سے نجات دینا اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے سب کے لیے مغفرت کا معاملہ اے اللہ ہماری زندگیاں جب تک کی بھی ہیں ہم سب کو اسلام پر قائم کرنا ایمان پر خاتمہ کرنا قیامت کے لیے اپنے دیدار اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر کرنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین